इसी बीच मायावती ने ट्वीट करके अपने विरोधियों पर हमला बोला है। धर्मांतरण, नामांतरण, बायकॉट पर सीधा प्रहार किया है मायावती ने। ट्वीट कर मायावती लिखती हैं, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो, उसे जो ट्वीट आया है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। लिखती है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि के तनावपूर्ण जीवन से त्रस्त है, जिनके निदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धर्मांतरण, नामांतरण, बॉयकॉट और नफरती भाषणों आदि के जरिए लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास घोर अनुचित और अत्यंत दुखद। आगे लिखती है, ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के दिन प्रतिदिन की ज्वलंत समस्याएं दूर हो जाएंगी, वरना फिर आम जनता इसे भी सरकार द्वारा अपनी कमियों और विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास ही मानेगी। ये ट्वीट मायावती का। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सवाल बसपा अध्यक्ष मायावती ने उठाए हैं। देखिए, राष्ट्रपति के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या होगा, ये उनका एक सवाल है। वो पूछती हैं कि क्या करोड़ों लोगों की ज्वलंत समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी, जनता इसे कमियों पर पर्दा डालने का सरकारी प्रयास ही मानेगी, ये भी अपने इस ट्वीट के जरिए कहती हैं और मुगल गार्डन के बहाने मुद्दों पर चोट करती हैं। कई सवाल वो उठाती हैं, कई मुद्दे उठाती हैं ट्वीट में। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। धर्मांतरण, नामांतरण, बॉयकॉट, नफरती भाषाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है, ये भी उनका कहना है। जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है, नफरती भाषणों और नामांतरण आदि की बातों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, अनुचित उन्होंने इसको कहा है और इसे अत्यंत दुखद बताया है अपने इस लंबे ट्वीट के जरिए। पूरा ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। ट्वीट करके हमला बोला है, मुगल गार्डन का नाम कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने बदलकर अमृत उद्यान किया, उस पर वो प्रहार करती हैं और उसके बहाने वो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठा रही है। आगे बड़ी खबर भदोही से है। वहां न्याय नहीं मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया है युवक और युवक ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। रास्ते के विवाद में न्याय न मिलने पर टंकी पर चढ़ा है युवक। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है, ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। गोपीगंज थाना इलाके के कसीदहा ग्राम सभा का सारा मामला और ये आप तस्वीर देख लीजिए भदोही की। ऊंची पानी की टंकी, ये युवक पानी की टंकी पर सबसे ऊपर जा चढ़ा है। इसका कहना है कि रास्ते का विवाद था लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस वहां पर है, हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और ये भदोही की तस्वीर है। न्याय न मिलने के बाद युवक फांसी पानी की टंकी पर चढ़ गया। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कितने वक्त हो गया इस युवक को पानी की टंकी पर चढ़े हुए और इसे नीचे उतारने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बता दूं कि पीड़ित युवक का नाम लौकुश है और वो काफी दिनों से परेशान था अपने रास्ते को विवाद को लेकर। पड़ोसी ने रास्ते को रोका हुआ था, आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी शिकायत उसने स्थानीय ग्राम प्रधान और जिलाधिकारी के यहाँ भी उसने किया था। इसकी बैठक भी हो रही थी लेकिन हाली उसे आश्वासन मिल रहा था, जिससे वो देखो पीड़ित युवक जो है आज पानी की टंकी में चढ़ गया और न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से पूछ के आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस और स्थानीय जो वहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने काफी मान मनोबल किया। उसके बाद मौके पर उप जिलाधिकारी के यहाँ से लोग पहुंचे हैं, काफी मान मनोबल के बाद उसे उतारा गया है। अभी तक सूचना मिली है कि अभी उसको उतार लिया गया है। जी, ये आपने बड़ी अपडेट दी रोहित, बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। इस युवक को उतार लिया गया है इस पानी की टंकी से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।